एक्चुअली लास्ट क्लास में जो हम पढ़ रहे थे, हमने बात की थी कि जावा के अंदर हम चार तरीके की जनरल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। हमने डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात की, हमने वेब एप्लीकेशन की बात की, एप्लेट्स की बात की, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस की बात की। इसके बाद हमने जावा का केवल एक फीचर डिस्कस किया था, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। हमने कहा था कि जावा की जो एप्लीकेशंस हैं, उन जावा की एप्लीकेशंस को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस कहते हैं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो एप्लीकेशन कंपाइल हुई है, सेम एप्लीकेशन हम दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकते हैं। यहीं पर हमने कहा था जावा अपने आप में प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, लेकिन जावा की जो एप्लीकेशन है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इस पॉइंट को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस लास्ट क्लास के अंदर किया था। जावा के और जो फीचर्स हैं वो सारे बुकिश हैं, बुकिश इन द सेंस कि बुक्स, हर बुक के अंदर उन फीचर्स की बात की गई है, लेकिन वो फीचर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते अपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जैसे मल्टी थ्रेडिंग है, तो वो हम डेप्थ में पढ़ेंगे, इसलिए मुझे उन थ्योरी पे अभी जाने का कोई बहुत ज़्यादा औचित्य नज़र नहीं आता। अगर अपन जावा के और डिटेल में चलें, जावा के तीन एडिशंस हैं, तीन एडिशंस हैं जिनमें जावा मिलती है, थ्री एडिशंस ऑफ जावा। सबसे पहला है JDK, या जिसे आप कहते हैं कोर जावा। दूसरा आपके पास है J2EE, और तीसरा आपके पास है J2ME। ये तीन एडिशंस हैं जिनकी आप जावा के अंदर बात करते हैं, जिनकी आप जावा के अंदर बात करते हैं, JDK या कोर जावा। जो लैंग्वेज पार्ट है जावा का, लैंग्वेज पार्ट जो है, हमें पता है जब भी हम किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, सी को पढ़ते हैं, सी प्लस प्लस को पढ़ते हैं, तो वहां पर हम ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह। तो लैंग्वेज पार्ट जो है वो बेसिकली JDK या कोर जावा है। उसके बाद आपके पास है जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन से हमारा मतलब है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आपको कंप्यूटराइज करना है, तो उसके लिए आपको जो तमाम चीज़ें चाहिए वो आप एंटरप्राइज एडिशन के अंदर पढ़ते हैं। कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सोच के देखिए, रिलायंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अलग अलग टाइप के बिजनेसेज हैं, अलग अलग टाइप के बिजनेसेज को कंप्यूटराइज आपको करना है, कंप्यूटराइज करने के लिए आपको जो तमाम चीज़ें चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एंटरप्राइज एडिशन चाहिए। जावा का जो सॉल्यूशन है दैट इज जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन। इसके बाद आपके पास है J2ME, जावा 2 माइक्रो एडिशन, माइक्रो एडिशन, हालांकि अब इसको ऑब्सोलीट कर दिया गया है, जावा 2 माइक्रो एडिशन। मोबाइल कंप्यूटिंग जैसी चीज़ों के लिए, मोबाइल ऐप्स वगैरह बनाने के लिए शुरू में J2ME काम में लिया गया था। अगर आप याद करें तो रिलायंस का जो हैंडसेट आया था, धीरूभाई अंबानी का एक स्लोगन चलता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना, उस हैंडसेट के साथ में एक लाइन लिखी रहती थी, टैग लाइन, फर्स्ट जावा इनेबल्ड हैंडसेट, क्योंकि उस हैंडसेट के अंदर J2ME को काम में लिया गया था। ओके, लेकिन धीरे धीरे अब इसको एब्सोल्यूट कर दिया गया, क्योंकि जैसे ही आपके पास एंड्रॉयड और ये चीज़ें आ गई, हालांकि एंड्रॉयड के अंदर शुरू में हम जावा ही काम में लेते हैं, अब उसके अंदर भी हमारे पास दूसरी टेक्नोलॉजीज आ गई है, लेकिन शुरू से हम जावा ही काम में लेते आए हैं, कोडिंग जावा में ही होती है। अब तो हमारे पास दूसरी भी है, लेकिन कोडिंग जावा में ही होती है, राइट। हाँ जी, हटा दिया है, ओके। तीन टर्म्स हैं जो कि जावा के अंदर हम बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं, JDK,
JREVM, JDK, JRE and JVM, Java Development Kit, Java Development Kit, JRE, Java Runtime Environment, JVM, Java Virtual Machine. Java Virtual Machine, Java Development Kit, Java Runtime Environment, and Java Virtual Machine. ओके तो आपके पास जावा डेवलपमेंट किट है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है, जावा वर्चुअल मशीन है. डेवलपमेंट किट का मतलब हो गया कंप्लीट जावा. आपको जावा इंस्टॉल करनी है. अगर आपको जावा इंस्टॉल करनी है, जावा के प्रोग्राम बनाने हैं, तो आप क्या डाउनलोड करेंगे? आप JDK डाउनलोड करेंगे. आप JDK डाउनलोड करेंगे. JDK जिसके अंदर की जावा के कंप्लीट चीजें हो, उसे आप कह रहे हैं JDK. अब JDK के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है. सामान्यतया जब हम JDK की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई दिस इज JDK. अब यहां पर कंपाइल अंपाइल से रिलेटेड चीजें होंगी, रन करने से रिलेटेड होगी, है ना. हम कह रहे हैं जो रन करने से रिलेटेड चीज़ें हैं, इनको हमने JRE नाम दिया, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट नाम दिया है. तो JRE इज नथिंग बट सबसेट ऑफ JDK. JRE इज नथिंग बट सबसेट ऑफ JDK. JDK का सबसेट है जिसको आपने JRE कहा है. JDK का सबसेट है जो JRE है. ठीक है सर. JDK का सबसेट है जो JRE है. आप JRE भी डाउनलोड कर सकते हैं, JDK भी डाउनलोड कर सकते हैं. सपोज आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंपाइल भी करना पड़ेगा, रन भी करना पड़ेगा. तो आप क्या डाउनलोड करेंगे? JDK. लेकिन उस सॉफ्टवेयर को बनाकर आपने क्लाइंट को दे दिया. अब क्लाइंट को डेवलप तो करना नहीं है, कंपाइल करना नहीं है, केवल रन करना है. तो क्लाइंट क्या डाउनलोड करेगा? JRE. JRE इज सिंपली सबसेट ऑफ JDK. JDK इंस्टॉल करेंगे तो JRE अपने आप हो जाएगा. JRE एंड JDK दोनों डाउनलोड कर सकते हैं. तीसरी चीज आपके पास है JVM. JVM क्या है? जस्ट एक वर्चुअल मशीन, या हम कहें एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक लेयर बनाता है, जो कि हमारी एप्लीकेशन को, हमारे जावा प्रोग्राम को रन करने से रिलेटेड सारे फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है. और उसे हम क्या कह रहे हैं? JVM कह रहे हैं. जावा वर्चुअल मशीन. जावा वर्चुअल मशीन सिंपल हमने कहा है एक वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि जावा के प्रोग्राम्स को रन करने के में हेल्प करेगा. जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए जो भी चीज़ें उसको चाहिए. किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या चाहिए भाई? मेमोरी चाहिए, प्रोसेसर चाहिए. ये तमाम चीज़ें कौन देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम देगा. ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कौन करेगा? JVM करेगा.
तो मेरे जावा और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक वर्चुअल लेयर, लास्ट क्लास में जैसा अपन बात कर रहे थे, वर्चुअल लेयर आप डाउनलोड नहीं कर सकते, आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। आप जब जीआरई इंस्टॉल करेंगे तो अपने आप एक लेयर बना लेगा, ठीक है ना। तो ये तीन हमारे पास कंसेप्ट्स हैं, तीन टर्म्स हैं जो कि आप बहुत ज्यादा काम में लेते हैं। चलें आगे। ये कहां से आया क्वेश्चन? जेडी भी है, यूटिलिटी जो आपको बताई थी। हाँ जी, जेडी यही मैं आपको कह रहा हूँ। जेवीएम झूठ मूठ का होता है, झूठ मूठ का होता है, मतलब कि जेवीएम को आप डाउनलोड नहीं करते, जेवीएम को आप इंस्टॉल नहीं करते, आप इंस्टॉल किसको करते हैं? रन को, आपके जेआरई को। जेआरई अपने आप जेवीएम की एक लेयर बनाता है। जावा डिबगर मैंने पढ़ाया था आपको यूटिलिटीज के अंदर, तो जेडी भी आपकी जावा उसमें है। जेडी भी इससे रिलेटेड नहीं। आपको मैंने यूटिलिटीज बताई थी कि जो आपके पास जेडी के है और जेआरई है, इसके अंदर और बहुत सारी यूटिलिटीज होती हैं जो कि मैंने आपको नोट करवाई थी। तो जेडी भी जावा डिबगर है जो कि आपके जेडीके के साथ इनबिल्ट होता है। झूठ मूठ का होता है, इसका मतलब आपको दिखता नहीं है, आपको एक इल्यूजन है, एक वर्चुअल लेयर है। वर्चुअल का मतलब ही झूठ मूठ का होता है। अपन नहीं पढ़ते वर्चुअल मेमोरी, झूठ मूठ की मेमोरी, जिसका वास्तव में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, जो कि आपको एक इल्यूजन देता है मेमोरी का, दैट इज वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। देखिए, आपने कल भी बात की थी कि ये हम गलत बोलते हैं कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ये गलत स्टेटमेंट है तो गलत। आपका आरपीएससी या आरएसएमएसएसयू बोर्ड उसको क्या कंसीडर करे वो बात अलग है। जावा इज नॉट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, जावा एप्लीकेशंस आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, वास्तविकता तो ये है। जावा JVM, Java, JRE, all these are platform dependent. आप हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग डाउनलोड कर रहे हैं ना, दैट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अगर आप कहते भैया ये JRE है किसी प्लेटफॉर्म पर रन कर लेना, तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। इसको आप सीधा सीधा बात कीजिए। आप जब जावा डाउनलोड करते हैं तो क्या आपको ये चूज करना है कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सी मशीन पर रन करना है? करते हैं क्या? हाँ जी करते हैं, करते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे हुई? हाँ, जावा एप्लीकेशन जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। चलें भैया आगे। एक छोटा सा एग्जांपल सबसे पहले रन करने की कोशिश करते हैं, किस तरह जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है, रन होता है, एक बार हम उसको समझते हैं। अपन डेमोस्ट्रेट तो कर लेंगे उसको एक दो दिन के बाद, जैसे ही हम दो चार प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, फिर हम यहाँ पर डेमोस्ट्रेट कर लेंगे किस तरह जावा के प्रोग्राम को रन करना है। ओके, जावा को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल अपने ओरेकल की साइट पे जाइए, जावा डाउनलोड कीजिए। जेडी के जेआरई दोनों डाउनलोड हो सकता है। जैसे अपन किसी भी छोटे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लीजिए। केवल एक काम इतना करना पड़ेगा कि जो जावा जहाँ पर इंस्टॉल हुई है उसके बिन तक का पाथ आपको सेट करना होता है। पाथ कैसे सेट करना है वो अपन देख लेंगे, लेकिन उससे पहले जब तक आप वो नहीं कर रहे हैं तब तक जावा के प्रोग्राम को किसी भी ऑनलाइन कंपाइलर से काम में ले लीजिए। ऑनलाइन बहुत सारे कंपाइलर्स हैं, किसी भी कंपाइलर को लीजिए, अपने प्रोग्राम को उसमें पटकिए, वो आपको आउटपुट बता देगा, तो आपको पता चल जाएगा क्या घपला है या नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल छोटा सा अपन लेते हैं। से आपने कहा क्लास से माय क्लास
पब्लिक स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग, एआर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से हेलो। मान के चलिए दिस इज द स्मॉलेस्ट प्रोग्राम, कहीं पर भी किसी भी एडिटर में लिख सकते हैं, नोटपैड में लिख सकते हैं। अभी तो हम नोटपैड की बात कर रहे हैं, सिंपल नोटपैड पर लिख रहे हैं। इस प्रोग्राम को आपने सेव कर लिया और सेव करके आपने इसे सपोज सी ड्राइव टेस्ट फोल्डर के अंदर रख दिया और आपने फाइल का नाम रखा सपोज ए डॉट जावा। एक चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि फाइल का नाम वही होगा जो क्लास का नाम होगा। ये गंदी गंदी बातें आपके दिमाग में रहती है, उसे ठीक कर लीजिए। है दिमाग में यही गंदी बातें? अगर एक फाइल में दो क्लास है तो फिर नाम क्या रहेगा? अब आप कहेंगे जिसमें मेन है वो उसमें रहेगा, वो नाम रहेगा। दोनों में मेन है तो क्या नाम रहेगा? दोनों मेन नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। ये गंदी गंदी बातें दिमाग से निकाल दीजिए। कॉलेज में तो अब क्या बताऊँ मैं, बड़ा घपला है, वो ही तो आपको परेशान करता है। कोई ज़रूरी नहीं है फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम हो, एक पर्टिकुलर केस में ही ज़रूरी है। वो अपन बात करेंगे, सोर्स फाइल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में। किसी भी नाम से इसको मैं सेव कर सकता हूँ। सपोज मैंने इसे सेव कर दिया ए डॉट जावा के नाम से। कौन से कॉलेज में थे आप? अच्छा, तो जब आप इसे कंपाइल करेंगे, आप कंपाइल करेंगे जावा सी ए डॉट जावा से, जावा सी ए डॉट जावा से आप इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने पर आपकी एक डॉट क्लास फाइल बनेगी। डॉट क्लास फाइल का नाम क्या होगा? माई क्लास डॉट क्लास। जब आप रन कर रहे हैं, आपके पास जो यूटिलिटी है दैट इज जावा माई क्लास। ये रन किसे करेगा? इस माई क्लास को, और इस माई क्लास का मेन मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका आउटपुट क्या होगा? हेलो। इस पूरे प्रोग्राम को अपन अभी समझेंगे, क्लास का मतलब क्या है वगैरह वगैरह, ये अभी अपन बात करते हैं। इसको बात करने से पहले हम इस प्रोसेस को समझना चाहते हैं। बेसिकली आपने जो प्रोग्राम बनाया, आपने लिखा साहब ए डॉट जावा फाइल थी, जब आपने इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने पर एक क्लास फाइल आपकी बन रही है माई क्लास डॉट क्लास। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक स्पेशल कोड होता है जिसे आप कहते हैं बाइट कोड। कंपाइल करने पर एक डॉट क्लास फाइल बनी, डॉट क्लास फाइल के अंदर एक स्पेशल कोड होता है जिसे आप कहते हैं बाइट कोड। लेकिन हमने पहले यह भी पढ़ा था कि भाई किसी भी सिस्टम के ऊपर, किसी भी कंप्यूटर के ऊपर मशीन कोड में लैंग्वेज कोई प्रोग्राम रन होता है। exe फाइल इसीलिए तो रन होती है। अब बाइट कोड तो मशीन कोड है नहीं, तो बाइट कोड रन कैसे हो रहा है साहब? आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम क्या कह रहे हैं, कंपाइल करने पर मशीन कोड नहीं बना, कंपाइल करने पर एक स्पेशल कोड बना जिसको आपने बाइट कोड कहा है, और मेरी क्लास फाइल बन गई माई क्लास डॉट क्लास। जब आप इसे रन कर रहे हैं तो रन करते वक्त बीच में कौन आ गया साहब? आपका JVM, झूठ मूठ की मशीन। ये इस बाइट कोड को किस में कन्वर्ट कर रहा है? मशीन कोड में। मशीन कोड में कन्वर्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। आपको मशीन कोड मिलता नहीं है, आपको मशीन कोड मिलता नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वापस से समझिए। हमने कहा जब हमारी डॉट जावा फाइल है,
आपने कंपाइल किया, कंपाइल करने पर डॉट क्लास फाइल बन गई। अभी हम नाम पे नहीं जा रहे, चलिए डॉट क्लास फाइल बन गई। उस डॉट क्लास फाइल के अंदर कौन सा कोड होगा? एक स्पेशल कोड होगा जिसको हम क्या कह रहे हैं, बाइट कोड कह रहे हैं। ठीक बात है, ओके। अब जब हम रन कर रहे हैं तो बीच में कौन आ रहा है? जेवीएम अंकल आ रहा है। जेवीएम अंकल क्या कर रहे हैं? क्योंकि बाइट कोड तो रन होता नहीं है, तो बाइट कोड को किस में कन्वर्ट करेगा और उसे एग्जीक्यूट कर देगा। सोर्स कोड को टारगेट कोड में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या होता है? कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है? यही तो पढ़ते हैं अपन। सोर्स कोड को टारगेट कोड में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है। तो डॉट जावा को बाइट कोड में कन्वर्ट कर किया हमारे कंपाइलर ने। अब बाइट कोड कन्वर्ट किस में हो रहा है? मशीन कोड में। तो यहां पर भी तो कुछ होना चाहिए ना, यहां पर भी तो कुछ होना चाहिए। यहां पर हमारे पास होता है इंटरप्रेटर, यहां पर हमारे पास होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है? हमारे मशीन, हमारे बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है एंड एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल जब अपन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि भाई कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर हमने पढ़ा था कि इंटरप्रेटर क्या करता है, एक लाइन को कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है, एक लाइन को कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है, एक लाइन कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है। यही तो पढ़ा था। इंटरप्रेटर हमारे कोड को स्लो कर देता है, हमारे प्रोग्राम को स्लो कर देता है। जावा ने क्या किया? जावा ने कहा भाई इसमें एक और चीज ऐड कर दो, एंड दैट इज JIT कंपाइलर। JIT कंपाइलर, JIT कंपाइलर क्या हुआ? जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करेगा कि भैया जब अपन काम कर रहे हैं ना, कंपाइलर क्या करता है? एक साथ कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन करता है। जस्ट इन टाइम ने क्या किया कि भाई ऐसा करो, अपन एक बंच ऑफ कोड को लेकर अपन तुरंत पहले से कंपाइल कर देंगे इसको, मतलब थोड़ा फास्ट करने की कोशिश की गई। समय के साथ एक और चीज आ गई, दैट इज AOT कंपाइलर, अहीड ऑफ टाइम। कि भाई जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसको फटाफट से पहले एग्जीक्यूट करके रख लो, पहले कंपाइल करके रख लो। लेकिन इसको फिर बाद में हटा दिया गया, इसको बाद में हटा दिया गया AOT कंपाइलर। अब हमारे पास बच गया इंटरप्रेटर एंड JIT कंपाइलर। कहीं टर्म आ जाए तो आपको समझ में रहना चाहिए, इसलिए अपन बात कर रहे हैं। ओके, बात समझ में आई? फिर से लीजिए, ये थोड़ी ऊटपटांग सी चीज़ें हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग भन्नाता है ना, तो इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। जावा में क्या होता है, पहले 4-5 दिन आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, उसके बाद अगर आप पढ़ना चालू कर देते हैं, पढ़ाने वाला मास्टर ठीक है, तो आपको अगले 15-20 दिन 25 दिन जावा बहुत आसान लगेगी। अरे इसमें क्या है, समझ में आ गई पूरी। फिर आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, क्लास से निकलेंगे सीधा जाएंगे कहीं GT में, WTP में, घंटे 2 घंटे मस्ती मारेंगे, आज जावा तो चकाचक है अपनी। 2-3 दिन आप रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे आप रिलैक्स होकर आपकी आँख खुलेगी तब तक आपको पता चलेगा ये क्या हो गया जावा में, ये तो साफ हो गई, ये पिछले 25-26-27 साल से मैं जावा का यही ट्रेंड देखता रहा। वो जो 3-4 दिन अगर आप GT WTP नहीं गए तो फिर दिक्कत नहीं आएगी।
वो आपने जैसे ही ओवर कॉन्फिडेंट हुए वैसे ही जावा आपको परेशान करना चालू कर देगी, ठीक है ना? तो आप वो गलती कीजिएगा ही मत, आप रेगुलर जावा को जरूर पढ़ लीजिएगा, भले ही WTP में बैठ के पढ़ लीजिए, भले ही GT में बैठ के पढ़ लीजिए, ठीक है? आपकी यहाँ की 1 घंटे क्लास आप भले ही 15 मिनट में 4x पे करके देख लीजिए, या आपने नोट्स बना रखे हो तो वो पढ़ लीजिए, ठीक है ना? चलें आगे। अब GIT कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, लेकिन अब फिर एक समस्या है कि मेरा प्रोग्राम है, अब GIT कंपाइलर काम कर रहा है, इंटरप्रेटर काम कर रहा है, मुझे क्या पता है? हाँ जी, फिर आ गया JDBC। GIT कंपाइलर है या JDBC, GIT कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है, कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा ही नहीं। ये काम किसका है? JVM का है। JVM विल डिसाइड वेदर GIT कंपाइलर इज टू बी यूज्ड और इंटरप्रेटर इज टू बी यूज्ड। JVM आपको कोई मौका नहीं दे रहा है, कोई चांस नहीं दे रहा है कि आप खुद डिसाइड कर सकें। ठीक है भाइयों बहनों, तो एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है, जावा के अंदर क्या है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर, बोथ? ये एक वेल नोन क्वेश्चन है, आता है आपके कई जगह पर कि भाई जावा में कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है, दोनों होता है। जस्ट इन टाइम, GIT कंपाइलर की फुल फॉर्म क्या है? जावा इन टाइम कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। AOT की फुल फॉर्म क्या है? आइड ऑफ टाइम कंपाइलर, है ना? ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन, स्पेशली जब अगर आपसे कोई आसान क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनमें से ही आते हैं, ठीक है? चले आगे। क्योंकि उससे कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, जावा की ब्यूटी खत्म होती है अगर आप पहले कंपाइल कर लेते हैं तो, जावा की ब्यूटी खत्म होती है। जावा इसीलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है क्योंकि जावा एट ए टाइम कंपाइल करके फिर रन कर रहा है, मशीन कोड में कन्वर्ट करके रन कर रहा है, कंपाइल नहीं इंटरप्रेट कहे हैं। नहीं, सोर्स कोड को क्लास कोड में कंपाइलर ने कन्वर्ट किया है। हाँ, क्लास फाइल को मशीन कोड में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करने का काम किसका है? इंटरप्रेटर का है, GIT कंपाइलर का। ठीक है भाइयों बहनों, कोई घपला? हाँ जी, चले आगे। ओके, चलिए, एक छोटा सा प्रोग्राम अभी हमने लिखा था, इस प्रोग्राम को वापस से डिटेल में समझते हैं। डिटेल का मतलब अभी तो काम काम की डिटेल ही पढ़ेंगे, अभी तो अपने को ये बहुत परेशान करेगा। ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आपने लिखा क्लास माई क्लास। जावा के अंदर कोई भी प्रोग्राम सेम नहीं होता नितिन जी, डिफरेंट होता है इंटरप्रेटर और GIT कंपाइलर। आपके प्रोग्राम को रन करते वक्त GIT कंपाइलर काम कर रहा है या इंटरप्रेटर काम कर रहा है, ये आपकी टेंशन नहीं है, JVM आपको बताएगा भी नहीं। JVM क्या काम में ले रहा है जो JVM को अच्छा लग रहा है। JVM बड़ा जिद्दी है, मानता नहीं है, बताता भी नहीं है, ठीक है? इस प्रोग्राम को एक बार देखते हैं। हमने कहा, सबसे पहले हमने लिखा क्लास माई क्लास। जावा के अंदर अगर आप एक भी लाइन का कोड लिखते हैं तो आपको क्लास लिखनी होगी, क्लास माई क्लास। माई क्लास को आपने ब्रेसेस से चालू किया और माई क्लास को आपने यहां पर ब्रेसेस से खत्म कर दिया, ये आपका माई क्लास है।
माय क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया है मेन, कंपाइल करते वक्त आपको मेन मेथड की आवश्यकता नहीं है, रन करते वक्त आपको मेन मेथड की आवश्यकता होती है। इस मेन के अंदर आपने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड, क्या मतलब है ये सब अपन समय समय पर आगे बात करेंगे। मेन मेथड का नाम है, केस सेंसिटिव है, याद रखिए स्मॉल है तो स्मॉल में ही रखना है, कैपिटल है तो कैपिटल में ही रखना है। फिर आपने यहाँ पर कहा स्ट्रिंग एरे, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के लिए काम में लेते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं फिर बाद की बात है। हाँ जी, क्योंकि क्लास का नाम है, अभी के लिए हम ये कहते हैं भाई ये मेन वाली लाइन को एजिटिव लिखना है, छेड़ना नहीं है, मानेगी नहीं है, एज इट इज लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब ये स्ट्रिंग क्या है, पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, ये तमाम बातें अपन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी बात आगे बढ़ती जाएगी। इस मेन के अंदर हमने यहां से मेन को चालू किया, यहां पर खत्म कर दिया, हमने सिंपल हेलो डिस्प्ले करना है। हमने लिखा system.out.println, बेसिकली जैसे आप printf की बात करते हैं सी के अंदर, बिल्कुल उसी तरह यहां पर लिखा है system.out.println। अब ये सिस्टम एक क्लास है पहले से बनी हुई, system.out.println का एक्चुअल मतलब क्या है दैट वी विल डिस्कस। प्रिंट क्या कर रहे हैं आप, हेलो प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है भाइयों बहनों, चलें आगे। तो अभी तक अगर अपन देखें तो अभी तक हमने केवल क्या बात किया कि एक क्लास है जिसके अंदर एक मेन मेथड है, हेलो प्रिंट करवाया, ये छोटा सा चिन्नी सा प्रोग्राम है, यहां तक कोई घपला, चलें आगे। चलिए बिल्कुल आएगा, बिल्कुल, ये AR जो आपने लिखा है इसकी जगह आप वेरिएबल नेम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रिंग एरे रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं जावा का सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। जावा के सोर्स फाइल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जावा की फाइल के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, जावा की फाइल के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, उसे हम कहते हैं सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। से चाय का प्याला मांगते तो पहले काउंट होती है कितनी हो गई और एक कम करके बतानी पड़ती है, फिर वो कप काउंट करके बताती है इतने कप है इतनी पी है। बड़ा खतरनाक इशू है, कभी कभी ऐसा होता है कि धर्मपत्नी नहीं है तो मैं चाय बना के पी लेता हूँ और बर्तन वर्तन सब साफ करके रख देता हूँ, फिर पता ही नहीं चले कि मैंने चाय पी है। लोग तो पता नहीं क्या पीते होंगे छुपके, मुझे चाय छुपके पीनी पड़ती है।
लेकिन फिर भी आके बोलती है आपने चाय बनाई, मैं नहीं बनाई। जब काफ़ी बहस हो जाती है, पूछा भाई कैसे पता चला, ये चीनी का डब्बा यहाँ नहीं रखा था यहाँ रखा था। बड़ा ऊट पटांग सर लॉजिक है, मतलब चोरी ऐसे भी पकड़ी जाती है, वो भी चाय पीने की चोरी, सोचो आप। खैर, जिनकी शादी हो गई वो समझते हैं, कितने दुखी दुखी से भाई साहब सोच रहे हैं। देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। पहला खुश, दूसरा शादीशुदा। तो जिनकी शादी हो गई, जरा इनको देखिए ये कैसे हंस रहे हैं, और जिनकी नहीं हुई वो कैसे से बिल्कुल चेंज हो जाएगा, है ना भाई सर? वरना ऐसे हंसते हैं जैसे जबरदस्ती पीट पीट के। वो नहीं हंसा था आपका मुन्ना भाई MBBS में, रुस्तम डॉक्टर जो हंसता था, जितनी पिटाई होती थी उतना हंसता था। चलिए कोई बात नहीं, तो सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। सोर्स फाइल स्ट्रक्चर से हमारा मतलब है जावा की फाइल का स्ट्रक्चर। जावा की फाइल में क्या क्या होगा? अभी जैसे अपन बात कर रहे थे, हाँ जैसे प्रोग्राम था आपका, हमने कहा भाई इस फाइल के अंदर, ए डॉट जावा के अंदर हमने इस क्लास को रखा है, तो इस ए डॉट जावा का स्ट्रक्चर क्या होगा? ये जो ए डॉट जावा में और क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो बातें अपन कर रहे हैं। बात समझ में आई आपके? फाइल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? फाइल स्ट्रक्चर का मतलब है जावा की फाइल के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं और किस सीक्वेंस में रखी जा सकती हैं। चलिए, सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। हमने कहा सर जावा की फाइल में तीन तरीके के स्टेटमेंट होते हैं। सबसे पहला है पैकेज स्टेटमेंट, फिर आपके पास है इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, देन आपके पास है क्लासेज या इंटरफेसेज। ये चीजें हैं जो कि आपकी क्लासेज, जो कि आपकी सोर्स फाइल के अंदर रहती हैं, सोर्स फाइल के अंदर रहती हैं। ठीक है साहब? चित्रा जी समझ में आ रहा है? पल्लवी जी, पैकेज क्या होता है? पैकेजेज, पैकेज क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेज, रिलेटेड क्लासेज का ग्रुप जिसको कि आप एक नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको आपने एक पैकेज कहा है। आप कभी कभी जब काम करते हैं तो पता चलता है आपकी प्रोजेक्ट के अंदर 1,000 क्लास हो गई, उन 1,000 क्लासेज को आप अलग अलग मॉड्यूल्स के हिसाब से बाइफरकेट करके रखेंगे। जैसे पंकज जी के पास बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, एक पंकज जी ने क्या किया कि एक फोल्डर लिया, जहां से सॉन्ग्स मिले उसके अंदर डाल दिए। 10,000 सॉन्ग्स हैं जो कि एक फोल्डर के अंदर आपने डाले। अब आपको सुनना है कोई डिस्को फ्राइडे इवनिंग, पता चला आपने गाना चलाया, आप चला सैड सॉन्ग, कोई बहुत पुराना किशोरदा का, फिर आपने दोबारा दूसरा गाना चलाने की कोशिश की, पता चला और भी सैड सॉन्ग अताउल्लाह खान का। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सॉन्ग्स प्रॉपरली अरेंज नहीं थे, ऑर्गेनाइज नहीं थे। पंकज जी को गुस्सा आ गया, पंकज जी ने उस दिन फोल्डर बनाए तीन, ओल्ड सॉन्ग्स, रीमिक्स, न्यू सॉन्ग्स। ओल्ड सॉन्ग्स के अंदर फिर फोल्डर बनाए,
किशोरदा, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, लता, न्यू सॉन्ग्स के अंदर फिल्म के नाम से बनाए, रीमिक्स के अंदर फिर सॉन्ग सिंगर्स के नाम से बनाए और सारे सॉन्ग्स को उसके अंदर शिफ्ट कर दिया। आप कोई सॉन्ग सुनना है तो आसान हो जाएगा, ठीक है ना? यही चीज़ हमारी क्लासेज के साथ है। जब बहुत सारी क्लासेज हो जाती है तो हमें उनको अरेंज करना पड़ता है, तो हम पैकेजेज के थ्रू अरेंज करते हैं। पैकेजेज का स्ट्रक्चर बिल्कुल फोल्डर जैसा होता है, पैकेजेज इंप्लीमेंट फोल्डर से होता है, वही फोल्डर बनते हैं, फोल्डर्स के अंदर आपकी क्लासेज रहती हैं, इसलिए मैंने फोल्डर्स का एग्जाम्पल लिया है। तो जब आप पैकेज काम में लेंगे तो फोल्डर बनेंगे, फोल्डर सब फोल्डर सब फोल्डर, उसके अंदर क्लासेज इस तरीके से आप बनाएंगे। समझ रहे हैं आप बात? तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो पैकेज स्टेटमेंट हो सकता है। पैकेज फर्स्ट नॉन कमेंटेड स्टेटमेंट, फर्स्ट नॉन कमेंटेड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ जावा फाइल। किसी भी फाइल के अंदर, जावा फाइल के अंदर जो पहला नॉन कमेंटेड स्टेटमेंट होगा दैट विल बी पैकेज स्टेटमेंट। इसके पहले केवल कमेंट ही हो सकते हैं, और कुछ हो ही नहीं सकता। इसके पहले कमेंट ही हो सकते हैं और कुछ हो ही नहीं सकता। कमेंट मतलब जो अगर आप कोई मैसेज लिख के रखना चाहते हैं जिसको कंपाइल नहीं करना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कमेंट कैसे कैसे लिखते हैं वो भी अपन बात करेंगे, लेकिन जावा के अंदर अगर आपको फाइल के अंदर लिखना है तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पैकेज स्टेटमेंट होगा। आप मोनिका जी कह रही हैं अभी अभी तो हमने प्रोग्राम लिखा तो आपने तो पैकेज लिखा ही नहीं, क्योंकि हो सकता है पैकेज स्टेटमेंट हो 0 और 1, हो सकता है पैकेज स्टेटमेंट आप ना लिखें। एटमोस्ट एक पैकेज स्टेटमेंट हो सकता है, एटमोस्ट वन पैकेज स्टेटमेंट, एटमोस्ट वन पैकेज स्टेटमेंट, मैक्सिमम एक ही पैकेज स्टेटमेंट हो सकता है, एक से ज्यादा पैकेज स्टेटमेंट हो ही नहीं सकते। थैंकू, भगवान भला करेगा आपका। एटमोस्ट एक पैकेज स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, अगर आप पैकेज स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, अगर आप पैकेज स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, इफ यू आर नॉट राइटिंग ए पैकेज स्टेटमेंट, ए पैकेज स्टेटमेंट योर क्लासेज विल बी कंसिडर्ड। प्रत्येक ज्यादा नहीं पीता, ज्यादा ज्यादा 12-13 चाय हो पाती है, 15 कभी कभी इससे ज्यादा नहीं हो पाती है। अभी जो पी रहा हूं ये चौथी है केवल। मेरी शादी को 20 साल हुए हैं, कम से कम 20 बार तो बीवी ने तलाक की धमकी दे दी चाय को लेकर। अब वो तो मैं पेन छुपा देता हूँ, वरना अब तक साइन भी हो चुका होता। और एक चाय के लिए पता है मुझे घर के सारे बर्तन साफ करने पड़ते हैं। मोनिका जी सचमुच वो नहीं करता, आप टेंशन मत लो, मैं मजाक ही कर रहा हूँ। मोनिका जी को लगा अच्छा वास्तव में इतना अत्याचार करती है मैडम। नहीं इतना नहीं करती, थोड़ा ज़्यादा करती है, इससे झाड़ू पोछे भी करवा लेती हैं। नहीं ज्यादा नहीं है भैया, कहाँ ज्यादा है। मेरा टारगेट है अमजद खान। आप अमजद खान का देखिए, अमजद खान के बारे में आपको पता चलेगा। गब्बर जो थे ना शोले के, वो 30 चाय पीते थे डेली। तो धीरे धीरे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तब तक के लिए।
चलिए, तो इफ यू आर नॉट राइटिंग ए पैकेज स्टेटमेंट योर क्लासेज विल बी कंसीडर्ड इन डिफॉल्ट अननेम्ड पैकेज अगर आप पैकेज स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं तो आपकी, जैसे अभी हमने नहीं लिखा था ना पहले एग्जांपल में, तो हमारी क्लासेज कहाँ कंसीडर होगी? डिफॉल्ट पैकेज के अंदर, अननेम्ड पैकेज के अंदर, ऐसे पैकेज के अंदर जिसका कोई नाम नहीं है। ठीक है भाइयों बहनों, डायरेक्ट बिना पैकेज का नाम लिखे हुए जी, जहां आप करना चाहेंगे। अभी धीरे धीरे रुक जाइए, 5-7 दिन रुक जाइए। ठीक है, धीरे धीरे जैसे आप काम करते जाएंगे ना, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहला स्टेटमेंट जो होगा दैट विल बी पैकेज स्टेटमेंट इफ देयर इज। इससे पहले केवल कमेंट लिख सकते हैं। क्या मतलब हुआ मैं बता, ठीक है, आप पैकेज के पहले केवल कमेंट लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, ओके। सेकेंड जो स्टेटमेंट होगा वो क्या है? इंपोर्ट स्टेटमेंट। टू इंपोर्ट एग्जिस्टिंग पैकेजेज। अगर आप किसी पैकेज की क्लासेज को काम में लेना चाहते हैं, अगर आप किसी पैकेज की क्लास को काम में लेना चाहते हैं तो काम में कैसे लेंगे? इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। अगर आप किसी पैकेज की क्लास को यूज में लेना चाहते हैं तो किससे काम में लेंगे साहब? इंपोर्ट स्टेटमेंट से। ठीक है, जीरो और मोर पैकेज स्टेटमेंट, मोर इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। आर पॉसिबल, कितने भी इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखे जा सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, कितने भी इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखे जा सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। दोनों, पैकेज भी कर सकते हैं क्लास भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, क्लास नेम लिखते हैं। अगर पैकेज इंपोर्ट करना है तो स्टार फॉर्म लगाते हैं। विल टॉक अबाउट, अपन पढ़ेंगे पैकेजेस, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पैकेजेस का कंप्लीट एक चैप्टर है अपना। अभी तो अपन केवल और केवल इतना कि अपना जो शुरू की चीज़ें हैं ना वो अपनी क्लियर होती चले, कि हमारे एग्जाम्पल में जब अपन डिस्कस कर रहे हैं तो सामने कुछ आ जाए तो एकदम अपने को नहीं लगे क्या आ गया, है ना, वो चीज़ें अपन इस हिसाब से पढ़ रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट इम्पोर्टिंग एनी पैकेज नॉट यूजिंग एनी इम्पोर्ट स्टेटमेंट Even then, a package java.lang lang is for language is imported. अभी अपन ने एग्जाम्पल बनाया था, एग्जाम्पल के अंदर हमने सिस्टम को काम में लिया था, स्ट्रिंग को काम में लिया था। मोनिका जी ने कहा था कि भाई स्ट्रिंग का एसवी कैपिटल करना है क्या, है ना, तो वो सारी क्लासेज है, स्ट्रिंग क्लास है हमने कहा, सिस्टम क्लास है। अब इंपोर्ट तो किया नहीं, काम में कैसे ले पा रहे हैं, क्योंकि ये क्लास किसके अंदर है? जावा डॉट लैंग के अंदर है, और जावा डॉट लैंग तो अपने आप इंपोर्ट होती ही होती है, हम करें चाहे ना करें। जावा डॉट लैंग तो
ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होती ही होती है, हम करें चाहे ना करें। ठीक है भाइयों बहनों, ओके मुझे लगता है आज यहाँ तक रखें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन यहीं से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद फिर थोड़ा रायता बड़ा है। ठीक है, कल अपन कोशिश करेंगे जावा की क्लास थोड़ा बढ़ाएंगे, तो आप आधा घंटे अपन लेट तक ले सकते हैं। कल मुझे रुकना है, मतलब जाना नहीं है, तो कल अपन 10:30 तक खींच सकते हैं। ठीक है सर, नमस्कार।